आज आपका एग्जाम था, तो आप कौन सी ब्रांच से हैं? फिजिक्स ब्रांच। अच्छा, फिजिक्स से हैं आप, तो एमएससी कर रखा है आपने, पीएचडी के लिए आपने एग्जाम मतलब दिया है, तो कितने क्वेश्चंस वगैरह आप करके आए हैं अभी इस एग्जाम में? 58 आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके हैं, तो इसका मतलब आपको पेपर इजी लगा होगा, क्योंकि जो अबव 50 जाते हैं, तो इसका मतलब मुझे लग रहा है कि वो एग्जाम आपको इजी लगा। अच्छा, तो फिर भी आप कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस अगर लगभग ज़्यादा पूछे गए, और कौन कौन सा पोर्शन जो है वो थोड़ा टफ था, वो थोड़ा बताएंगे आप? हाँ, क्वेश्चन तो लगभग पूरा फिजिक्स कवर कर लिया था। अच्छा, लेकिन जो क्वेश्चन थे जैसे एमएससी लेवल के थे। अच्छा, वो क्वेश्चन जो आए थे सीधे आए थे। अच्छा, जो एमएससी लेवल क्वेश्चन थे सीधे थे, लेकिन जो ग्रेजुएशन लेवल के उनका जो डायरेक्ट घुमा रखा था क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, घुमा फिरा के आए। जो लो लेवल के क्वेश्चन थे ग्रेजुएशन लेवल के, उनको थोड़ा घुमा फिरा कर पूछा था, लेकिन जो एमएससी लेवल के वो इजी क्वेश्चन थे। अच्छा अच्छा, तो आपने मतलब जो क्वेश्चंस को किया, तो वो मतलब वो टाइम को ज़्यादा ले रहे थे, या मतलब कम टाइम में ही आप कर पा रहे थे उनको सॉल्व? एक्चुअली जो एमसीक्यू क्वेश्चन थे, अच्छा, वो ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे थे, लेकिन जो एनआईटी टाइप के क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल एनालिसिस टाइप, वो क्वेश्चन ज़्यादा टाइम, तो उनमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा था। अच्छा अच्छा, तो आपको इस बार मतलब लगभग कितने के आसपास जो है आपका निकल जाएगा, जो आप पीएचडी कर पाएंगे, कितने के आसपास कट ऑफ जाएगी आपके उसकी फिजिक्स की कुछ? तो मतलब इस बार आपका निकल जाएगा, क्योंकि आप 58 करके आए, तो निकलने के चांस आपके ज़्यादा हैं। कहाँ से किया है वैसे एमएससी आपने? दिल्ली यूनिवर्सिटी से। हाँ, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे ज़्यादातर इसको सरल ही बता रहे हैं, और कुछ जो अलवर या राजस्थान से जो बच्चे हैं वो थोड़ा मॉडरेट इसको बता रहे हैं, तो हो सकता है कि आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो उसका कुछ लेवल है इसमें, ऐसा कुछ अंतर होता है इसमें बैकग्राउंड का? कॉलेज के लेवल का अंतर होता है, हाँ कॉलेज, लेकिन ये नहीं कह सकते हमारा लेवल ऊंचा है। अच्छा अच्छा, हम ग्रेजुएशन यहीं से कर गए। अच्छा अच्छा, कहाँ से ग्रेजुएशन, कहाँ से किया? आर आर कॉलेज से किया वो। अच्छा चलो, आप यहीं के हो, चलो ठीक है, ठीक है सर।